गजीबो धाबा एंड मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट्स, द ऑथेंटिक टेस्ट इन टाउन, जहां आप दम पुख्त कुक अखा बकरा, रान शोल्डर, फूड कुक अंडरग्राउंड फॉर 5 आवर्स, सी फूड, स्पेशल फ्रेंच एंड अरेबिक डेजर्ट, इंडियन स्वीट के साथ मॉकटेल एंड बेवरेजेस का लुत्फ उठा सकते हैं। गजीबो अब न्यू मैनेजमेंट के साथ पॉकेट फ्रेंडली भी है, विद प्लेजेंट एम्बियंस, वाइड रूम स्पेस विद 2 दस्तरखान, सिटिंग कैपेसिटी 8 to 18, इवेंट एंड पार्टी स्पेस, सिटिंग कैपेसिटी 120+, पार्किंग अवेलेबल। द ऑथेंटिक मुगलाई टर्किश अरेबिक टेस्ट इन टाउन, गजीबो धाबा एंड मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट्स। आज ही आए, हम आपका खैर मकदम करते हैं। ये लोग मुमरा कोसा के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। इनका एक ऑफिसर है जिसका नाम है पांडे, उसने कहा कि दीवा को पानी ज्यादा हम देंगे, मुमरा कोसा को पानी कम देंगे। तुम्हारे बाप का राज चल रहा है। मैं पांडे को बोलना चाहता हूँ, अगर तेरी औकात है, अगर तू वाकई में मरद का बच्चा और औकात है तेरी, तो आज मुमरा कोसा के पानी पुरोठा पे तू आकर के बता। अगर तेरे मुंह पे कालिक नहीं पोता तो एक बाप की औलाद नहीं। जफर मवानी आपको चैलेंज करता। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा शहर में पानी की किल्लत झेल रहे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और आज पानी परोठा विभाग के सामने जमकर हंगामा हुआ। यहां पर नारेबाजी भी की गई। आपको बता दें कि जफर नुमानी, सैयद अली अशरफ भाई साहब और नेहा नाइक, इन लोगों के साथ में चांद नगर, अमीनाबाद, शादी महल गली, धूम कंपाउंड, ऐसे और कई इलाकों के लोग जो पानी की किल्लत झेल रहे हैं, ये लोग आज पानी परोठा विभाग पर पहुंचे और वहां पर जमकर हंगामा किया है। जफर नुमानी का कहना है कि पानी परोठा विभाग के किसी कर्मचारी ने कहा कि दीवा में पानी ज़्यादा दिया जाएगा, मुमरा में पानी कम दिया जाएगा, इसको लेकर भी काफ़ी हंगामा वहां पर हुआ। आपको बता दें कि जो पानी परोठा विभाग के अधिकारी हैं उनमें और आंदोलनकारी जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे उन लोग के बीच में काफ़ी बहस भी हुई है। पानी की किल्लत को लेकर जिस तरह से लोग परेशान हैं और आज पानी परोठा विभाग के सामने जो विरोध प्रदर्शन हुआ और विरोध प्रदर्शन के दौरान क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये लोग मुमरा कोसा के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। इनका एक ऑफिसर है जिसका नाम है पांडे, उसने कहा कि दीवा को पानी ज्यादा हम देंगे, मुमरा कोसा को पानी कम देंगे। तुम्हारे बाप का राज चल रहा है। मैं पांडे को बोलना चाहता हूँ, अगर तेरी औकात है, अगर तू वाकई में मरद का बच्चा और औकात है तेरी, तो आज मुमरा कोसा के पानी परोठा पे तू आकर के बता। अगर तेरे मुंह पे कालिक नहीं पोता तो एक बाप की औलाद नहीं। जफर नुमानी आपको चैलेंज करता। भाई भाई आगे बढ़ो, कोई बात है, पानी नहीं आ रहा है, आगे बढ़ो। शरीफा रोड पर योगी कॉम्प्लेक्स है, ये योगी कॉम्प्लेक्स से जिम्मेदार है। शरीफा रोड पे एंट्री करेंगे वैसे ही योगी कॉम्प्लेक्स है, पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, आज कितने दिन से पानी नहीं आ रहा? पानी का तकरीबन महीने भर से प्रॉब्लम चालू है। हमने बार बार इनसे रिक्वेस्ट की कि सर हमको मजबूर मत करो पानी की टाकी पर आने के लिए। हमने हमारी ऑफिस पर लोगों को बुलाया, ऑफिस सालों के साहब को बुला करके हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मजबूर मत करो हमको, लॉ एंड ऑर्डर का खराब हो जाएगा, इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। हम बहुत मजबूरी में, ये बहना बिचारी अपने मासूम बच्चों को छोड़ करके आई है। मासूम बहना अपने बच्चों को छोड़ करके आई है। पानी के लिए हम बार बार इनसे अपील कर रहे हैं कि भाई आप लोग पानी का हमारा मसला हल करके दीजिए। बोलते टैंकर लेके जाओ। अरे भाई, हम टैंकर क्यों लेकर के जाए? पानी का बिल भरते आप एक दिन का पानी बिल का बिल हमारी माफ करेंगे क्या? ये तमाम लोग बहुत परेशान हो गए और शहर के साथ दोहरा रवैया अख्तियार किया जा रहा है। दीवा को हमारे टाइम पर दीवा में वाल खोल करके दीवा वालों को पानी दिया जा रहा है, मुमरा को पानी नहीं दिया जा रहा है। अरे क्या मुमरा का कोई वारिस नहीं है क्या? माफ करना, अगर ये गलत फहमी उनके दिमाग में, वाटर डिपार्टमेंट के दिमाग में ये गलत फहमी पैदा हो गई है कि मुमरा कोसा का कोई वारिस नहीं है, तो देख लो यहाँ पर हमारे दरमियान आंदोलन सम्राट सैयद अली भाई साहब यहाँ मौजूद है। पानी तो आज हम पानी का फैसला करके ही जाएंगे, नहीं तो यहाँ से हिलेंगे नहीं हम लोग। आप लोग बैठेंगे ना तमाम लोग? ये पानी का मसला बहुत दिनों से चल रहा है। ये लोग पानी क्या हो रहा है मालूम है? जब आपके यहाँ पानी कम आया तो मेरा आटा कम करके आपको पानी कम आ रहा है तो उनका आपका आटा कम करके मुझे पानी। अरे इसका हल निकालो ना, इसका हल क्यों नहीं निकालते? इसका परफेक्ट सोल्यूशन क्यों नहीं निकालते? और बता दूं, कल्याण वाड़ा से लेके मुमरा तक जितनी भी TMC बिल्डिंगें नई बन रही है सबको ये लोग पानी का कनेक्शन देते हैं। क्यों देते हो भाई?
जब तुम्हारे पास पानी का बंदोबस्त नहीं है तो उनको पानी का कनेक्शन कैसे दिया जा रहा है? उनकी पानी की लाइनों को चेक करो, उनको एक इंच की लाइन दी जाती है। और आपके अगर कोई बेचारा गरीब आदमी अपनी बिल्डिंग के पानी की लाइन के लिए जाता है तो आधे इंच की भी लाइन के लिए उनको 10 बार दौड़ाया जाता है। ये बिल्डर माफियाओं के साथ इनकी मिली जुली साठ गांठ है। टीएमसी बिल्डिंग को पानी 24 घंटे कैसे आता है? मैं प्रूफ दूंगा कि कौन सी बिल्डिंग में कहां से कनेक्शन दिया गया है। मुमरा वालों के साथ ये दोहरा रवैया वाटर डिपार्टमेंट का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बैठो, अगर पानी नहीं मिलेगा हम आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे। भाई साहब, जैसा कि देखा जा रहा है कि आज ये जल विभाग के बाहर यहाँ पे मोर्चा रखा गया, इस बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, अभी मैं यहाँ पे आया तो जफर नुमानी और हमारी नेहा नाइक मैडम के नेतृत्व में जफर नुमानी साहब के और नेहा नाइक के वार्ड के लोगों के पानी की समस्या के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि मुमरा में पानी का एक खेल खेला जा रहा है और पानी का एक जाल बनाया गया है। आपको मालूम होगा 260 करोड़ रुपया वाटर उसके लिए आया था, रिमॉडलिंग के लिए आया था। आपने देखा होगा कि दीवा के अंदर पूरा रिमॉडलिंग का काम हुआ, पूरा। मैं पूरे मुमरा के लोगों को बताना चाहता हूँ, पूरा दीवा में रिमॉडलिंग का काम हुआ, लेकिन मुमरा में कहीं रिमॉडलिंग का काम नहीं हुआ। इसकी इंक्वायरी लगाने के लिए कहा जाता है तो प्रशासन गायब हो जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता है। महाचुनाव हो नहीं रहा है महानगर पालिका का, नगर सेवक अंदर जा नहीं पा रहे हैं कि इसके ऊपर बात हो। ये सबसे बड़ा मुमरा का भ्रष्टाचार पानी का है, जो कोई कहीं ना कहीं से इसका मुमरा के अंदर कोई काम नहीं हुआ, इसके पैसे को आपस में बांट के आपस में लेके खत्म कर दिया गया है और मुमरा के शहरियों को इस तरीके से आंदोलन करने पे मजबूर कर दिया गया। जैसे कि भाई साहब आप बता रहे हो कि एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, ये भ्रष्टाचार कहीं ये तो नहीं कि टीएमसी प्रोजेक्ट्स में टैंकर बेचे जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं महानगर पालिका से निवेदन करता हूँ, जब आपके पास पानी नहीं है तो आप यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंगें बन रही है सबके प्लान को रोक दिया जाए। जब तक आप पानी फुलफिट नहीं कर सकते, जितने लोग जिंदा हैं इस शहर में, तो नए लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है। पहले पुराने लोगों को जो आपकी जनसंख्या के अंदर अभी है, आपकी होटल इसके अंदर, उस हिसाब से पानी आप दो। ये भी माना जा रहा है कि जो इलीगल जो बिल्डिंग बन रही है वहाँ पर काफी ज्यादा पानी सप्लाई होता है, इस वजह से शहर का पानी जो है कम। ऐसा नहीं, इलीगल तो पूरा शहर है, ऐसा उसके ऊपर पर्टिकुलर बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि आज भी मैं बोलता हूँ ना कि मेजोरिटी शहर ग्राम पंचायत का है, लीगल शहर कहाँ है? अभी ये बना है मित्तल जाके, आप देख रहे हो ना, ये इलीगल बना है, थोड़ा उधर लीगल बना है, बाकी आप बताओ ना पुराना शहर, आप कहाँ रहते हो? इलीगल में रहते हो, मैं कहाँ रहता हूँ? मेरा बचपना जवानी अब 54 साल का हो गया हूँ, मैं भी इलीगल में रहता हूँ ग्राम पंचायत में। तो आप इलीगल और लीगल का वो मत करो कंपेरेटिव, ये शहर ग्राम पंचायत का था, ये शहर गरीबों का शहर था, इसके लिए इतनी बसी हुई आबादी, क्या लीगल में लेने की ताकत है हमारी? 60-65 लाख का घर लेने की ताकत है क्या? गवर्नमेंट एक फोर्टेबल इंक्वायरी वो करे कॉरपोरेशन के अंदर। जो मैं नगर सेवक था तब मैंने कहा था कि आप जो है ग्राम पंचायत के, आपकी महानगर पालिका के अंदर ग्राम जो घर है उसके अंदर एक वो बनाओ कि 25 लाख 50 लाख 12 लाख अपने आप इनलीगल काम बंद हो जाएगा, क्योंकि सस्ते में जब घर मिलेगा तो लोग सही घर लेंगे। ऐसा मुमरा शहर बोलते विकास हुआ, पानी विकास में नहीं आता है क्या? मतलब लोगों को सड़क पर उतरना पड़ता है। यहाँ पे अलग अलग की भाषा बोली जाती है, यहाँ के विकास को कुछ दिखाया जाता है, मित्तल के विकास को कुछ बताया जाता है और मुमरा के विकास को कुछ बताया जाता है, ट्रैफिक के विकास को कुछ बताया जाता है, मतलब विकास के यहाँ अलग अलग